हाय गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद दीपिका। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सेवन सीजन्स रिसॉर्ट एंड स्पा। इस रिसॉर्ट के बारे में जामनगर वासियों को अच्छे से पता होगा। यहाँ के बहुत ही फेमस रिसॉर्ट है और शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कई बार विजिट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट रूम टूर भी देने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन विद द रिसेप्शन एरिया। तो रिसेप्शन एरिया में एंट्री करते ही काफ़ी बड़ी रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आपको सिटिंग काउचेस लगे हुए हैं जहाँ पे आराम से बैठ के आप अपनी चेक इन वगैरह में टाइम ले सकते हो। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लगे हुए रहते हैं। देन चेक इन वॉज क्वाइट स्मूथ, काफ़ी अच्छा गया हमारा चेक इन एक्सपीरियंस। एंड देन उसके बाद आपको रूम की ओर ले चलती हूँ। तो चलते हैं रूम की तरफ। रूम की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमने इनसे ऑन रिक्वेस्ट करके जो है फर्स्ट फ्लोर पूछा था, बिकॉज लास्ट टाइम भी एक बार हमने विजिट की थी, रूम पे हम यहाँ पे रुके थे, बट उन्होंने नीचे का रूम दे दिया था बिकॉज हमने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं डाली थी, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे दिया था। सो इस टाइम हमने उनसे कॉल करके स्पेशल रिक्वेस्ट किया दैट कि वी नीड फर्स्ट फ्लोर वाला रूम, तो उन्होंने ऊपर का रूम बुक किया। एज वी हैड बुकड फर्स्ट फ्लोर वाला रूम, तो हमें सीढ़ियों से जाना पड़ा। बाकी लिफ्ट तो मुझे दिखी नहीं एंड आई एम नॉट श्योर कि वहाँ लिफ्ट थी या नहीं। तो रूम की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने कॉरिडोर एरिया में इस तरह से थोड़ा सा फैंसी लाइट के चक्कर में थोड़ा सा अंधेरा सा नज़र आ रहा था। नाउ वेलकम टू माई रूम टूर। तो जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करोगे, एंटर करते ही डोर के ठीक पीछे मिरर विथ अटैच अलमीरा है। तो डोर अगर आप थोड़ा सा बंद करोगे, क्लोज करोगे, तो उसके पीछे में आपको अलमीरा मिल जाएगा जो कि काफ़ी बड़ा था, और बट मैं यहाँ पे शूट करना वो रह गया मेरे से। एंड देन आपको बिल्कुल सामने में ही वॉशरूम है, वॉशरूम में भी काफ़ी बड़ा सा मिरर है। एंड यहाँ पे एक आपको हेयर ड्रायर मिल जाएगा। वॉशरूम एरिया भी बहुत बड़ी थी, आपको टॉयलेटरी आइटम्स सभी तरह के थे, ऑलमोस्ट लाइक शैम्पू, कंडीशनर और लोशन वगैरह भी अवेलेबल थे। बाथरूम टाल्स वगैरह भी आपको बाथरूम में ही मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ है, मैं ना जब भी कहीं निकलती हूँ रिजॉर्ट होटल के लिए, मैं पता नहीं अक्सर भूल जाया करती हूँ अपने ब्रश वगैरह लेने के लिए, बट इस टाइम भी भूल ही गई थी और मुझे यहाँ पे मिल गया। रिजॉर्ट में पहले से दिया हुआ था, सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाया करती हूँ। एंड देन आगे ही अंदर आप जाओ ना तो नहाने के लिए बाथिंग एरिया है। आई एम इम्प्रेस्ड दैट कि बाथिंग एरिया भी इतनी बड़ी थी। सो अच्छा लगता है जब आप पे करो और आप वर्थ हो उसका। तो यहाँ पर एसी के स्विचेस हैं जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। इसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, एज दिस इज सेंट्रलाइज्ड एसी, तो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये खुद ही अपना टेम्परेचर सेट कर लेता है। बात करूँ फर्नीचर की, तो यहाँ आपके नीड के अकॉर्डिंग सभी तरह के फर्नीचर आपको मिल जाएगी। सिटिंग सोफ़ा मिल जाएगा, यहाँ पे एक चेयर भी रखी हुई है, देन एक डाइनिंग टेबल है, एक स्टडी टेबल है और पास में ही एक बड़ा सा टीवी है। तो एक वेइंग मशीन भी है जिसमें आप अपना वेट चेक कर सकते हो। और इस पर सबसे अच्छी जो मुझे एक बात लगी ना कि इस यहाँ हर चीज़ को फर्नीचर के अंदर, अलमीरा के अंदर छोटे छोटे इस तरह से अलमीरा बनाए हुए हैं और उसके अंदर में जो है अपनी चीज़ों को आप रख सकते हो। जैसे कि फ्रिज आप देख सकते हो, बाहर भी रख सकते थे बट इस तरह से अंदर रखने से इसका जो शो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। अंदर इस तरह से छोटे छोटे ना बॉक्सेस हैं जिसपे आप अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको रख सकते हो, तो अच्छा लगता है जब ऐसे घर वाली फीलिंग आपको मिल जाए। तो देन यहाँ पे मेनू कार्ड रखी हुई थी, तो आप अपनी ऑर्डर्स रूम से भी कर सकते हो। और ये रहा हमारा चाय का अरेंजमेंट, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देयर इज़ आवर बेड जो काफ़ी कोजी एंड कंफर्टेबल था। आई मस्ट टेल यू, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एंड इसके साथ हमको कॉम्प्लीमेंट्री में 5 वाटर बॉटल्स मिले हुए थे। तो इसके अलावा अगर एक दिन में आप और ऑर्डर करते हो तो आई थिंक वो चार्जेबल होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी बिल्कुल इस तरह से ग्लास के साथ कवर है जो कि बहुत अच्छी लगती है रिसॉर्ट होटल्स में। एज वी रिक्वेस्टेड, तो उन्होंने बालकनी वाली रूम दे तो दी थी बट यहाँ से मुझे व्यू इतना नहीं अच्छा आ रहा था। पूरा इस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए थे तो जिसकी वजह से पूरा आपको नज़र नहीं आ रहा था, और वैसे भी अगर नज़र भी आता तो ये आपको मेन गेट वाला व्यू था, तो उन्होंने पहले ही हमको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी थी। सो हमको इस पर कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो कमिंग टू द अदर एमेनिटीज, लाइक कि रिसॉर्ट के रूम के अलावा और क्या क्या यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पूल एरिया है। पूल एरिया में आई थिंक कोई पार्टी लगी हुई थी नाइट में, तो किसी की बुकिंग पार्टी थी, उसकी वजह से यहाँ पे ये डेकोरेशंस वगैरह हो रखे थे।
पूल की चार्जेस की बात करें तो अगर आप रूम ले रहे हो तो पूल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और अगर आप आउटसाइडर गेस्ट हो तो पूल चार्जेबल है एंड कॉस्ट्यूम इज़ ऑल्सो चार्जेबल। बट हाँ, अगर आप रूम भी ले रहे हो तो भी आपको कॉस्ट्यूम का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपके अपने नायलॉन के क्लोथ हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा एडिशनल क्लोथ लेने की। तो आउटर एरिया की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ काफ़ी बड़ी गार्डन एरिया है, बहुत ही बड़ी है। आप शाम के टाइम पे घूमने को निकल सकते हो, टहल सकते हो, इतनी बड़ी गार्डन एरिया है। गार्डन में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो कि यहाँ के फ्लावर्स, इतने सारे वैरायटीज़ के फ्लावर्स थे, और लिटरली फूल की वजह से ना पूरा गार्डन और भी निखर के खूबसूरत सा आ रहा था। यहाँ पे भी रिसेप्शन एरिया है, एंड इस साइड में आपको हॉल है, बुकिंग हॉल वगैरह इसी साइड। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया की तरफ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से गार्डन को मेंटेन करके रखा गया है, फ्लावर्स से पूरा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ग्रीनरी सा है जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ ही यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और आपने ये रिजॉर्ट बुक की है तो डेफ़िनेटली वो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सा एरिया में जो है उनके लिए गेम्स वगैरह लगे हुए हैं। ये पूल साइड वाली जगह है जहाँ पे बफेट वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे बड़ा सा आई लव सेवन सीजन्स लगा हुआ है। इस जगह का ना मैंने कुछ एक वीडियो होली के टाइम पे भी डाला हुआ था, तो मैं टैग कर दूँगी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि तब भी मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हुए दिखाया था इस रिसॉर्ट के बारे में। ये रिसॉर्ट इतने में ही ख़त्म नहीं होता है, ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ, अगर आप पिकनिक प्लान कर रहे हो तो इस एरिया में काफ़ी बड़ी एरिया है आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस से हम यहाँ पे आए थे और इस जगह पे हमने काफ़ी गेम्स वगैरह खेले थे। ऑल्सो यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया है, अगर आप रिजॉर्ट बुक कर रहे हो तो अंदर जाके पार्किंग कर सकते हो। और ये जो व्यू अभी आप देख रहे हो ये नाइट का व्यू है, नाइट में पूरा रिसॉर्ट इतनी खूबसूरत से लाइट से चमक रहा था। अगर आप इस रिसॉर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई मस्ट से कि आप ऑनलाइन बुकिंग करें, बिकॉज ऑनलाइन बुकिंग में आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। मैंने तो मेक माई ट्रिप से किया था और मुझे MAP में बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। आप डायरेक्टली जाने से अच्छा है ऑनलाइन बुक करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।